हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब छत्तीसगढ़ से धर्म संसद में विवादास्पद बयान देने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिन की धर्म संसद आयोजित की गई थी। आयोजन में 20 धर्म गुरुओं ने भाग लिया, जिसमें कुछ ने भाषण देते हुए सनातन हिंदुओं को खुद को हथियार देने की बात कही। वहीं उनमें से एक संत कालीचरण ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की तारीफ की, जिस पर कालीचरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 505/2 और 294 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस धर्म संसद में शामिल होने आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अचानक इस कार्यक्रम से चले गए। बताया जा रहा है कि कालीचरण के बयान के बाद धर्म संसद के संयोजक और दूधाधारी मठ के प्रमुख महंत राम सुंदर दास ने भी इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने खुद को इस धर्म संसद से अलग कर दिया। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर असहमति जताते हुए स्वामी स्वरूपानंद ने इस कार्यक्रम में कहा कि जहां 30 करोड़ मुसलमान और लगभग 15 करोड़ ईसाई रहते हों, उस देश को आप क्या हिंदू राष्ट्र कहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।